Aya Khan's Official is the YouTube channel. Subscribe and support the latest shows and news. एक चम्मच सुबह दोपहर शाम लें, 12 साल से कम उम्र बच्चे आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम लें। अब तक इस शरबत को सैकड़ों मरीजों ने इस्तेमाल करके शफा पाई है और शहद का कुरान पाक में जिक्र है ना कि इसमें शफा है, जैतून का भी कुरान पाक में जिक्र है और अल्लाह ताला ने इस मतलब इसकी किस्म इसी किस्म की, मतलब अगर आप देखते हैं ना कि हल्दी को अगर हम देखते हैं तो हल्दी सदियों से सूजन कम करने और कॉस्मेटिक के तौर पर इस्तेमाल भी की जाती है और अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है और इन चीज़ों की, यानी कि अगर आप जैतून को देखते हैं, शहद देखते हैं और हल्दी, और इसके अलावा कोरोना में फेफड़ों पर सूजन हो जाती है, इस मुरक्कब को इस्तेमाल करने से आपकी कुव्वत मुदाफ़त एक तो बढ़ जाती है और जिससे जिस्म में एंटीबॉडीज़ की मकदार बढ़ जाती है और कोरोना वायरस जो है अपनी मौत आप मर जाता है। और ऊपर ये भी मैं अभी आपके मैसेजेस ऊपर जो जा रहे हैं मैं अभी शामिल करती हूँ। आप इंशाल्लाह कोरोना की तबाहकारियों से बच सकते हैं, इस सीरप को भी इस्तेमाल कीजिए, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाइए अपने, हंसीए मुस्कुराइए खुश रहिए, डिप्रेशन से बचिए। ज़्यादातर आप तबसरे ये कोरोना पे जो होते हैं और ये जो मीडिया जो भी बता रही होती है आप उनको देखना छोड़ दीजिए वरना मज़ीद डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपको कोई मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, आप अपने आप का तो ख्याल रखिए कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को सही करना है। आप उन तबसरों पर मत जाइए कि क्या चल रहा है, क्या कितने लोग, कितनी गिनती हो गई, या आज कितनी गिनती हो गई है, कल कितनी गिनती हो गई, ये छोड़ दीजिए और इस तरह आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं इन चीज़ों पर अगर नहीं पढ़ते। अच्छा, इसके अलावा जी चौधरी अहमद, थैंक यू सो मच जी, कुछ फीडबैक्स मेरे पास मौजूद है, मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। और इसके अलावा जी आमिर मशवानी कहते हैं कि जी मेरी पोइट्री ज़रूर शामिल कीजिए। आमिर मशवानी, आप और आपकी पोइट्रीज हम इतनी इम्पॉर्टेंट बात कर रहे थे, आप और आपकी पोइट्रीज बीच में आ गई। बादाम खाओ जान बनाओ, बिल्कुल आपने सही कहा, बादाम बहुत, ये जो नट्स है ना, नट्स ज़रूर खाइए, नट्स बहुत अच्छा है, यानी कि अगर आप देखते हैं नट्स जो है इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करती है। वैसे भी उन लोगों के लिए मौका है जो रंग साफ़ करने के लिए ब्यूटी क्रीम यूज़ करते हैं, वो धूप से बचकर घर बैठे और रंग गोरा कर, हाँ ये रंग गोरा करने की पता नहीं, मैं आपको बताऊँ ना कि मैंने ना बहुत से क्योंकि मैंने सुना है कि लोग अक्सर मुझे भी कहते हैं कि रंग गोरा करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या यूज़ करें, तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि जो आपका अपना असल रंग है आप उसी रंग में खुश रहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बारिश हो रही है, मुझे फीलिंग आ रही है। आज वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अगर हम देखते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी और दीगर, अगर लाहौर पंजाब में अगर देखते हैं तो गर्मी बहुत शदीद है। अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, हम दुआ करते हैं अल्लाह मियाँ से। और वैसे भी मैंने सुना है कि मानसून इस दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब में भी तबाहियां भी लेके आए, यानी इससे सैलाब वगैरह भी आ जाए। और मानसून के हवाले से मैंने आज सुबह ही एक खबर भी पढ़ी थी, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि बारिश हो रही है। अब आई डोंट नो कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही गर्मी हो गई, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ रहमत की बारिश बरसाए, आमीन सुबह आमीन। कलवंजी, बिल्कुल जी कलवंजी, बहुत ही आपने अच्छी बात की। इसके अलावा ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए, कहवा पिए, इस तरह एंड आई नो वेरी वेल अबाउट दैट, पता नहीं क्या कह रहे हैं, आपस में बातें भी करें। वीडियो स्टॉप हो गई है? नहीं, वीडियो तो चल रही है, वीडियो इज नॉट स्टॉप, इट्स इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हाय करोना, हाय करोना, ये देखिए आमिर मशवानी लगे हुए, उनको नज़र आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से, लेट मी चेक, मैं चेक कर लेती हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि वीडियो स्टॉप हो गई है, वीडियो स्टॉप नहीं हुई है, अस्सलाम वालेकुम, स्टॉप हो गई है वाकई में, मुझे बताइए कि वीडियो स्टॉप हो गई है, आवाज आ रही है आपको मेरी? अगर वीडियो स्टॉप हो गई है तो
आई डोंट थिंक सो कि वीडियो स्टॉप हुई है। नहीं हुई स्टॉप रबिया, थैंक यू सो मच, वरना मुझे तो लग रहा था कि ये स्टॉप हो चुकी है। वीडियो इज गोइंग ऑन। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी, वरना मैं तो समझ रही थी कि वीडियो स्टॉप हो गई, और ना भी स्टॉप होती तो मैं उसको स्टॉप कर देती। अलीशिया कहते, जिसने अपने मैदे में कलवंजी का एक दाना भी डाल लिया वो बीमारी से महफूज रहा। कलवंजी खा लिया करे जो बीमारी है उसकी नियत करके। चले, बहुत ही अच्छी खूबसूरत बात है आपने हमारे साथ शेयर की है, और कलवंजी का बिल्कुल इस्तेमाल किया करे। मैंने जब मैं इतना ज़्यादा कलवंजी नहीं खाया करती थी, मुझे मेरी मामा कहती थी बहुत गर्म होती है तो इतनी ज़्यादा मत खाया करो। आप, मुझे किसी ने बताया कि आप जो है 8 से 9 दाने खा लिया करें, इसके छोटे छोटे से तो होते हैं बिल्कुल, तो 8 से 9 दाने काफ़ी होते हैं। इसके अलावा अगर कोरोना पेशेंट को वैसे भी शिकंजवीन जैसे हम बनाते हैं, आप अगर नीम गर्म पानी में अगर लेमन डाल के तो पीना स्टार्ट कर दें तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। विटामिन सी, अपनी जो है विटामिन सी की टैबलेट्स आप यूज़ करें, जिंक आप लें, तो अपनी खुराक यानी कि आप अच्छी करें, और इसके अलावा खुश रहिए। नहीं है, जो होना है वो तो हो के रहना है ना। जमाल कहते हैं ठीक है, जफर कहते हैं ओके जी, नींद आ रही है, नींद आ रही है बिल्कुल जी। 1:27 हो चुके हैं और मेरा और आपका साथ 2 बजे तक रहने वाला है। 2 बजे के बाद मैं भी बस सोने के लिए चली जाऊंगी, और बाहर बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। आई होप सुखी जी, आप सबको मौसम जो है वो मौसम मौसम की खूबसूरती फील हो रही होगी क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। जहाँ लाइटिंग होती है वहाँ स्टॉप हो जाती है, ऐसा कैसे हो जाता है जी? जहाँ लाइटिंग होती है वहाँ कैसे स्टॉप हो जाती है? ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, COVID-19 चल रहा है, ऊपर से हम सब जो है वो लगे हुए हैं नेट यूज़ करने के लिए, तो जब हम नेट यूज़ कर रहे होते हैं तो लोड पड़ता है, लोड की वजह से जो है ये इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। 7 दाने, चलें ठीक है सरदार तैमूर, अच्छा किया आपने बता दिया कि कलवंजी के 7 दाने आप खा लिया करें। Thanks for watching and subscribe to our channel.